हेलो फूडीज, शेफ प्रकाश किचन में आपका स्वागत है। हम बनाएंगे हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी क्विनोआ खिचड़ी। हम बनाने जा रहे हैं कैल्शियम प्रोटीन से भरपूर सुपर फूड मोदी केयर के किनोआ से किनोआ खिचड़ी। किनोआ खिचड़ी के लिए मैंने लिया है 150 ग्राम किनोआ। एक मीडियम साइज का प्याज लेंगे और इसे लंबी लंबी स्लाइड में काट लेंगे। किनोआ खिचड़ी के लिए सबसे पहले एक प्रेशर पैन को गर्म करेंगे। इसमें डालेंगे हम गाय का घी 1 चम्मच। इसे नॉर्मली गर्म कर लेंगे। घी गर्म हो डालेंगे जीरा और इसे ब्राउन होने तक तड़कने देंगे। 1/2 टेबल स्पून डालेंगे ब्लैक सरसों, तेजपान, चक्रफूल, दालचीनी। इसके बाद इसमें डालेंगे हम 2 लंबी लंबी स्लाइस में कटी हुई हरी मिर्ची और इसे फ्राई होने तक भून लेंगे। स्लाइस में कटा हुआ प्याज, इसे लो मीडियम फ्लेम पर हम भूनेंगे। प्याज को हल्का ब्राउन होने तक हमने भून लिया है। अब इसमें डालेंगे हम करी लीव्स 8 से 10, अजिनोमोटो लीव्स, इससे इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा खिचड़ी में। इनको हम भूनेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज का टमाटर लंबी स्लाइस में कटा हुआ। टमाटर डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक इसे भून लेंगे। हमें इन्हें क्रंची होने तक ही भूनना है, पकाना नहीं है। क्रंची होने तक हमने सभी सामग्री को भून लिया है। अब इसमें डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। पिंच डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून डालेंगे धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। मसाला मिलाने के बाद इसे हिलाएंगे। मसाला डालने के बाद इसमें डालेंगे किनोवा। डालने के बाद इसे हमें भूनना है 1 से 2 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर। किनोआ को जब हम इसमें भून लेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। देखिए, मैंने 1 से 2 मिनट तक भून लिया है। जिस मेजरमेंट मग से हमने किनोआ लिया था उसका हमको डबल डालना है पानी। जैसे हम इसमें डालेंगे 2 मग पानी, ये दूसरा मग डाल दिया मैंने पानी। पानी डालने के बाद इसे हिलाएंगे और उबाल आने देंगे। 1 टेबल स्पून डालेंगे लेमन जूस। लेमन जूस से खिचड़ी में जो खट्टा स्वाद आएगा उसकी तो क्या बात है। और इसे हिलाएंगे, इसे लीड कर देंगे और 1 से 2 विसल से लेंगे। 2 विसल से ले ली मैंने। विसल से लेने के बाद गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और पैन को ठंडा होने देंगे। पैन ठंडा हो गया, आप देख रहे हैं परफेक्ट खिचड़ी बनकर तैयार है। इसे हम 1 मिनट और गैस पर चलाएंगे। परफेक्ट किनोआ खिचड़ी तैयार है। वो हम इसे सर्विंग बाउल में निकालेंगे। जी अम्मी, किनोआ खिचड़ी रेडी है। इसे आप ब्रेकफास्ट के समय बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको किनोआ खिचड़ी की रेसिपी कैसी लगी आपका एक्सपीरियंस वैसा शेयर कीजिए। और भी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।